नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। मियां चन्नू राणा बाबर हसन एमपीए मियां चन्नू की अपनी रहायशगाह पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। राणा साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुखालिफ मेरे खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि मैं पार्टी तब्दील कर रहा हूं, उनको वक्त के साथ शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। मैं मुस्लिम लीग नून में आज भी हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। मैं नवाज शरीफ के बयान वोट के इज्जतों के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। नाअहिल हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। महंगाई ने आम इंसान का चीना मुहाल कर दिया है और आवाम समझ चुकी है कि यह हुकूमत सवाई तकरीरों के कुछ नहीं कर सकती। इसका सबूत जलसों में नज़र आ रहा है। और राणा साहब ने मीडिया के जरिए अपने हलका की आवाम को पैगाम पहुँचाया कि मुल्तान के जलसा में भरपूर तैयारी करें। हमने साबित करना है कि मियां चन्नू की अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। इसी मौका पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका एक करीबी दोस्त आपको छोड़कर चला गया, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा कि जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी ताकत आवाम है और उनको आवाम की ताकत का अंदाज़ा नहीं। हल्का की आवाम कल भी मुझसे प्यार करती थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़ी है। मैं सियासत में अपनी आवाम की खिदमत और प्यार के लिए आया हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों की खिदमत करता रहूँगा। इसी मौका पर इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और शाहिद गिलानी, राणा जफर इकबाल, चौधरी वसीम, चौधरी वहीद रुबानी, हाजी अशरफ मसूद, अजमल दुल्लू, राणा अब्दुल्ला एजाज, इमानुल्ला, रहमत मुगल और जंडियाली बंगला से नौजवान की आदत राणा काशिफ खान भी मौजूद थे। इजाज़त चाहती हूँ कैमरामैन टीम के साथ बुशरा वकील।